हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा फ्रॉम एज इंस्टीट्यूट एशिया। और बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में ये हमारा फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले हम लोग चार वीडियोस पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था बच्चों, वो था कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तीन कॉम्पोनेंट्स थे बच्चों हम लोगों जो पढ़े थे, HCl, म्यूकस एंड लास्ट इज एंजाइम। और जो एंजाइम कौन सा? पेप्सिन। तो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था बच्चों कि HCl हमारी बॉडी के लिए इतनी ज्यादा हार्मफुल है, यदि इसकी एक सिंगल ड्रॉप भी हमारी स्किन पे गिर जाए तो बच्चों वो जल जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl का क्या यहां पे काम है? यदि HCl दिया हाँ इतना हार्मफुल है तो इससे बचा कौन रहा है? इसके वॉल को, स्टॉक की वॉल को कौन बचा रहा है? वो सारा हम आज करने वाले हैं बच्चों। ये वीडियो देखने से पहले एक बार 5 मिनट के अंदर पुराना जो लाइफ प्रोसेस की जो चार वीडियोस है उसको फटाफट बच्चों रिवाइज कर लीजिए। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ HCl। तो याद रखना बच्चों, सिर्फ एक फंक्शन, क्या? इट एक्टिवेट, इट बोले तो HCl, HCl एक्टिवेट्स पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो पेप्सिन एंजाइम जो आता है बच्चों, वो इनएक्टिवेट फॉर्म में रिलीज होता है। यदि वो HCl के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ही एक्टिवेट होगा। तो बच्चों HCl क्या करता है यहां पे? HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। अरे HCl यदि एसिड है तो एसिडिक मीडियम तो प्रोवाइड करवाएगा। अब क्यों बच्चों ऐसा? पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन इन एक्टिव फॉर्म। और बच्चों इसकी इनएक्टिव फॉर्म का नाम जो है वो है पेप्सिनोजन। कोई भी एंजाइम के पीछे भी बच्चों ये जन लिखा हो ना, ट्रिप्सिनोजन, हम लोग आगे पढ़ने वाले, तो जन जन वर्ड लिखा हो दैट मीन्स जो सफिक्स यूज कर रहा हो दैट मीन्स वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो यहां पे क्या होगा कि जो पेप्सिनोजन होगा, यहां पे HCl आया और क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या है बच्चों? एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। क्लियर? तो ये HCl का फंक्शन समझ आया। ये पेप्सिन जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म में, आपको याद नहीं आए तो भी चलेगा, सिंपल मोड ला, ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्लियर? अब यदि ये हार्मफुल है तो याद रखना बच्चों, आपको एक नई चीज में बताने वाला हूं यहां पे। क्या? आओ बच्चों पढ़ते हैं। ये तो हो गया बच्चों लास्ट क्लास में। देखो ये गैस्ट्रिक जो जूस है वो सीक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। बच्चों हमारी जो स्टमक की जो वॉल है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, वहां से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होने वाला है। उसकी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती है और वो सेल्स ये सारे सीक्रेशन देने वाला है। हमारे पोर्शन में है नहीं, सिर्फ इतना सा रखना है गैस्ट्रिक जूस कहां से रिलीज होता है। अब देखो यहां पे जो अपना जो नेक्स्ट है वो है फंक्शन ऑफ म्यूकस। जो सेकंड कंपोनेंट क्या है? फंक्शन ऑफ म्यूकस। बच्चों आपको बता दिया था म्यूकस क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस। क्लियर? अब देखो यदि ये म्यूकस यहां पे है तो देखो बच्चों म्यूकस इसकी वॉल पे इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो म्यूकस क्या है? म्यूकस फॉर्म अ लेयर कहां पे? ऑन इट्स वॉल। किसकी वॉल? स्टमक की वॉल पे। स्टमक की वॉल पे बच्चों ये लेयर बनाता है। तो यहां पे जो HCl आ रहा है ना बच्चों, वो इसकी वॉल में कॉन्टेक्ट होने नहीं देगा, इसके वॉल से HCl को कॉन्टेक्ट होने नहीं देगा। तो ये क्या कर रहा है बच्चों याद रखना, ये क्या कर रहा है? इट प्रिवेंट्स, इट बोले तो म्यूकस, म्यूकस प्रिवेंट्स द अटैक, द अटैचमेंट बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा वर्ड बच्चों कॉन्टैक्ट, द कॉन्टैक्ट ऑफ HCl विथ वॉल ऑफ स्टमक। क्लियर?
तो बच्चों ये चमक की बॉल से एक्सियल के कॉन्टेक्ट को रोकेगा। तो समझाए ये एक्सियल होते हुए यहाँ पर जो ल्यूमेन में है, ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक बच्चों पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा उसके बीच में जो खाली जो जगह होगी ना एम्प्टी स्पेस, उसको हम लोग ल्यूमेन बोलेंगे। ये भी एक ट्रैक की तो है, पाइप जैसा ही तो है, तो इसमें बच्चे ल्यूमेन में सिर्फ प्रेजेंट होता है। क्लियर इतना सा क्लियर? अब देखो वैसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों तो एक बार मैं यहां पर नोट बताऊ आपको क्या कि अब मान लो भैया ये म्यूकस इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मान लो ये हो क्या रहा है यहां पे एक्सियल है और एक्सियल के बीच में और म्यूकस के बीच एक बैलेंस है। इफ एक्सियल यदि बच्चों ज्यादा हो जाए, एक्सियल क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, या फिर म्यूकस क्या हो जाए कम हो जाए। एक्सियल ज्यादा हो रहा है बच्चों और ये म्यूकस यदि कम हो रहा है, कोई दोनों से दोनों हो जाए, दोनों से एक हो जाए, तो क्या होगा कॉन्टैक्ट हो जाएगा बिटवीन एक्सियल एंड स्टमक वॉल। क्लियर? हाँ यार कॉन्टैक्ट हो गया। और बच्चे इस कॉन्टैक्ट की वजह से क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। जो आपने सुना होगा बच्चों, आपने सुना होगा कि उसके पेट में छाले हो गए। अब पेट में छाले होने का मतलब क्या है कि उसके वॉल जो है वहां पे अल्सर बन गए एक्सियल की वजह से। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, किसी को चाय पीने से इन सबसे ज्यादा एक्सियल सिक्रीट होता है, तो वो सारी चीजें जो कि एक्सियल ज्यादा सिक्रीट करता है बच्चों, वो सब हम लोग कम खाना पीना कर देंगे। क्लियर? पहली बात हम लोग ऐसी दवा देंगे बच्चों जो एक्सियल ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होने दे। सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग ऐसी चीज देंगे जो एक्सियल प्रोड्यूस हो चुका है उसको न्यूट्रल कर दे। अब बच्चे यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, हम लोग बहुत अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं अभी। और बच्चों हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक और बात, हम लोग ऐसा उसके अंदर क्या ज्यादा हम लोग उसके अंदर ज्यादा देंगे जिससे कि म्यूकस की लेयर वहां पे अच्छी बन जाए, तो ये सारा बच्चों ये अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो चीज जो आपको बताने वाला था, देखो एक्सियल को सीक्रेट जो करना है इस एक्सियल को न्यूट्रल करने के लिए, टू न्यूट्रल एक्सियल या फिर हम लोग बोलते एसिड, तो बच्चों यहां पर क्या देंगे हम लोग, बेस इज गिवन, अरे अल्कलाइन जो बेस होता है वही तो देंगे बेस, तो याद रखना इनो एसिडिक मिटाए 6 सेकंड में, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों को फटाफट अपना असर क्यों दिखाता है, क्योंकि 6 सेकंड तो नहीं दिखाता है ना, जैसे ही हम लोग बच्चों वो लेंगे ना उसके अंदर बेस होता है और एसिड वाले स्टमक में है, तो एसिड तो बच्चों ये एसिड जो हो जाएगा ना एसिड वो बेस जो आएगा बच्चों दोनों न्यूट्रल हो जाएगा और एसिडिटी अपने आप कम हो जाएगा, एक्सियल अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर? तो इनो का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कि वो एसिड को क्या करता है बच्चों न्यूट्रल करता है। तो म्यूकस का मेन फंक्शन क्या है, म्यूकस प्रिवेंट्स द कॉन्टैक्ट ऑफ एक्सियल विद द वॉल ऑफ स्टमक। क्लियर? तो हम लोगों ने बच्चों एक्सियल का फंक्शन पढ़ लिया, हम लोगों ने म्यूकस का फंक्शन पढ़ लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन ऑफ पेप्सिन। तो बच्चे नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये जो अपन पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट बच्चों इस चैप्टर का, गैस्ट्रिक जूसर के कंपोनेंट्स के फंक्शन। नाउ बच्चों द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन क्या बच्चों, एंजाइम का डाइजेशन पार्ट लेगा नहीं लेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। तो बच्चों P4 पेप्सिन P4 प्रोटीन, तो बच्चों क्या इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स। बच्चों क्या होगा हम आपको बताने वाले, देखो ये मैं बार एक बार दिखवा दूंगा एक साथ, अभी समझ लीजिए बच्चों। देखो आपने सुना होगा एमिनो एसिड्स का नाम, क्लियर? तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स में तो बच्चों पेप्टोन्स बनाएंगे और ये भी आगे और मिनरल की क्या बना देंगे बच्चों, प्रोटीन्स बना देंगे। तो मैं बोलूं कि छोटे जो प्रोटीन है वो क्या है पेप्टोन्स, छोटे प्रोटीन है वो क्या है पेप्टोन्स। तो यहां से आपको भी एक चीज याद कर लीजिए, क्या प्रोटीन्स किसके बने होते हैं एमिनो एसिड के, फिर से प्रोटीन्स किसके बने होते हैं एमिनो एसिड के, याद कर लीजिए बच्चों, लास्ट में लिखाऊंगा मैं ये सब, अभी एक याद कर लीजिए बच्चों, प्रोटीन किसके बने होंगे एमिनो एसिड के। तो P4 पेप्सिन P4 प्रोटीन, तो ये आपको हो जाएगा स्टमक, ये आपको हो जाएगा प्रोटीन। अब ये बात करो बच्चों, उन्होंने पढ़ा था सलाई के अंदर माउथ कैविटी में मेनली किसका डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का। हाँ ना, हाँ बोल,
तो बच्चों यहां पे हम लोग बात करें यहां पे स्टमक में, इन स्टमक मेनली किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड। क्लियर? यहां तक क्लियर? तो देखो स्टमक, बच्चों स्टमक में डाइजेशन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये था आपका फूड डाइजेस्टेड, यहां तक जितना डाइजेशन हुआ, और इसके अंदर क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस में मिक्स है। ये क्या है? गैस्ट्रिक जूस मिक्स्ड। मतलब मैं बात करूं यहां पे ये जो है वो क्या है? एचसीएल। तो बच्चों स्टमक में जो तैयार हुआ है ये जिसने एचसीएल है, ये एसिडिक है बच्चों। ये एसिडिक जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? काइम। क्या बोलेंगे? काइम। क्या बोलेंगे? काइम। अब ये काइम क्या होगा बच्चों? काइम फॉर्मेशन हो गया स्टमक में। अब ये काइम स्टमक से कहां जाने वाला है? नेक्स्ट पार्ट याद करो, याद करो स्टमक, एस फॉर स्टमक, एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों ये जो काइम होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है। क्लियर आया ना? अब देखो बच्चों को बात, जब ये स्टमक से जा रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहां से बच्चों ये गया, तो याद रहना बच्चों ये जो होगा ना वो एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक। इसका क्या इंपोर्टेंस होगा? यूज आएगा। क्यों? क्यों बच्चे क्यों एसिडिक? क्योंकि यहां पे क्या है? एक्सियल स्प्लिट हो रहा है। क्लियर है यहां पे? तो अब ये कहां जाने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जाने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो काइम विच इज फॉर्म्ड इन स्टमक will enter into small intestine. Small intestine. तो बच्चों देखो हम लोगों ने पढ़ लिया डाइजेशन माउथ, हम लोगों ने पढ़ लिया डाइजेशन इन स्टमक, तो अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है, और सबसे ज्यादा जो घटनाएं होने वाली बच्चों, सबसे ज्यादा जो घटना है होने वाली, इवेंट्स जो होने वाले हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होने वाले हैं। नाम है छोटा लेकिन काम है अच्छे से बड़े बड़े। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बच्चों, जो कि हमने बोला, मैं आपको बता चुका हूँ इनो का, जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इनो हम लोग कब लेते हैं? जब एसिडिटी हो जाएगी। तो यहीं पे एक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। क्लियर? नोट कर लिया बच्चों? आ जाइए बच्चों, अब देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी। मे बी ये प्रॉब्लम अभी जो वीडियो देख रहा है उस बच्चे को ही हो रही है। हाँ यार, तो भैया को तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, उसका तो बहुत अटैचमेंट हो जाएगा इस टॉपिक से। अच्छा नहीं ना यार ये, कोई बात नहीं। तो देखो क्या हो रहा है, ये अच्छा बन गया भैया, अब ये अच्छा बन गया। अब देखो बच्चों एक कोई बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या भैया? बोलो फटाफट। ये क्या है? इसोफेगस। ये क्या है? स्टमक। याद करो जब मैं आपको बता रहा था कि फूड जो होगा बोलस होगा वो एंटर जब इसोफेगस से स्टमक के बीच में कर रहा था बच्चों, तो यहां पे क्या मिल रहा था? एक स्फिंक्टर। क्या मिल रहा था बच्चों? स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर क्या है? एक तरह से जो मैं अपन को याद रखना है वो ये क्या रखना है? ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर। कि जैसे खाना आएगा यहां पे इसोफेगस स्टमक में एंट्री मारने वाला होगा, एक मिल जाएगा फूड अंदर, जैसे ही यहां पर पहुंचे बच्चे इसको बंद कर देगा। अब ये बंद करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बंद नहीं हुआ तो क्या होने वाला है वो सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखो सिर्फ यही स्टमक, यही सिर्फ सिर्फ बच्चों यही स्पिंडर नहीं होगा,
जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा ना बच्चों, वहां भी स्पिंडल होगा, मतलब अपने जीआईटी के एक पार्ट से सेकंड पार्ट में कहीं भी जाएगा तो बच्चों बीच में एक जरूर ऐसी जाएगी जिसको पास करना पड़ेगा, स्पिंडल बच्चों हम लोग उसको बोलते हैं, ढक्कन वाला स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक का नाम अलग अलग है या नहीं है, तो या इनका बच्चों नॉमेनक्लेचर बहुत 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 आसान है बच्चों। देखो ये इसोफेगस और स्टमक के बीच में, क्लियर वन पॉइंट। स्टमक के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं गैस्ट्रो, क्लियर। तो बच्चों इस स्पिंडल का नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसो फेजियल या फिर चलो उल्टा बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। यदि ये नाम याद नहीं हो तब भी आप सिंपल इसको स्टमक भी बोल सकते हो। तो बच्चों यहां पर लिखो ये उसका कॉन्सेप्ट, वेन जो मैं आपको बता चुका हूं, वेन फूड एंटर्स, वेन फूड एंटर्स फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक क्या होगा उससे, दिस स्फिंक्टर ओपन्स, दिस स्फिंक्टर ओपन्स एंड एज द बोलस। बच्चों फूड क्या है यहां पे, बोलस, क्लियर बता चुका हूं ये सब अपन पढ़ चुके हैं। एज द बोलस रीचेस टू स्टमक, बच्चों वहां पे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा या नहीं होगा, तो तभी क्या हो जाएगा, दिस स्फिंक्टर विल क्लोज। बच्चे नॉर्मल, नॉर्मल जो अपनी मैकेनिज्म होगी वो ऐसे वाली है, क्लियर। वेन फूड एंटर्स फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक ये स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा, बोलस जैसे स्टमक में पहुंचता है बच्चे स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसको नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया। अब देखो बट प्रॉब्लम क्या हो कि दिस इफ दिस स्फिंक्टर, इफ दिस स्फिंक्टर डजंट क्लोज कंप्लीटली, याद रखो बच्चों यहां पे ये स्फिंक्टर है, यहां पे ये एसिड के अंदर क्या है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है एचसीएल, और आपको एचसीएल की प्रॉपर्टी बच्चों पता है ये एफर्वेसेंस होता है बच्चों इसके अंदर, तो इसका जो ये मटेरियल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यदि ये ओपन नहीं हुआ कंप्लीटली, तो यदि ये क्लोज नहीं हुआ कंप्लीटली तो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, और आप पता बच्चों इसका क्लोज होना कितना जरूरी है, तो याद सुन में आया ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एचसीएल बच्चों ऊपर आने की टेंडेंसी शो करेगा यहां पे। तो यदि ये जैसे यदि यहां पे हुआ कि कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, HCl, HCl will enter, HCl will enter into esophagus and mouth cavity। तो हमको क्या लगेगा कि हमारे जो esophagus और गले में और माउथ में मुंह के अंदर जो एसिड एसिड सा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारा कुछ अनइजी हमको फील होगा, हाँ या ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी। अब देखो ये बायोमिस्ट्री यहां पे कुछ हो गया, अब ये कहो या फिर एक्चुअल इतना ज्यादा यहां पे प्रोड्यूस हो रहा हो, इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो कि ये बंद होने से पहले ही आपका एसिड ऊपर आने लग जाए, तो हम लोग यहां भी कुछ एसिडिटी हो सकती है। तो अब आप मुझे बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जो इनो लेंगे वो क्यों लेंगे, जो ज्यादा एक्सीएल बन गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वाई, क्योंकि उस इनो के अंदर क्या होंगे बच्चों, बेस होता है, वो बेस हम लोग ले रहे हैं, ये एसिड को क्या कर देगा बच्चों, न्यूट्रल कर देगा, क्या कर देगा बच्चों, न्यूट्रल कर देगा। तो क्लियर, ये बच्चों अपना पूरा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी, बच्चों इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर
हमारा जो फूड था इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री मार चुका है, क्लियर। तो अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होने वाला है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चे मैंने आपको बताया था ये है छोटू छोटू नाम में, निकारनामे बच्चे इसके बड़े बड़े हैं। तो देखो 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 नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, मैं बता चुका हूं बच्चों इसको, स्टार्टिंग चैप्टर में बता दिया था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। इन एब्डोमिनल कैविटी किसकी फॉर्म में बच्चों, देखो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है और बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है। नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होने के साथ साथ उसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए उसका नाम क्या है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगा, अराउंड 6 मीटर इसकी लेंथ होती है बच्चों। तो किसमें, इन कॉम्पैक्टेड फॉर्म। अब बोलोगे भैया कॉम्पैक्टेड क्या होगा बच्चों, कॉइल्ड फॉर्म में। कॉइल्ड फॉर्म में बच्चों वहां पे हमारे देखोगे हमने डायग्राम एनसीईआरटी बच्चों, आप इसका डायग्राम देखो, जो बड़ा जो डायमीटर है वो तो लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन जो बीच बीच में देखो किस तरह से होगा, ये स्टमक आया, इसोफेगस स्टमक, फिर बच्चों बीच में कॉम्पैक्टेड ऐसा कॉइल्ड फॉर्म में होगा, उसके ऊपर जो चारों तरफ क्या होगा, एक लार्ज इंटेस्टाइन होगा। आप देखना बच्चों डायग्राम अच्छा दिख जाएगा आपको, तो एक कॉइल्ड फॉर्म में और कॉम्पैक्टेड फॉर्म में होता है। यदि हम लोग बात करें बच्चों उसके पार्ट्स की, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बच्चों 3 पार्ट, डीजेआई, डीजे, डीजे आई, डीजे, डीजे पे कौन डांस कर रहा है, इलियाना, इलियाना डिक्रूजा, डीजे आई कैसे याद करो बच्चों, कुछ ट्रिक बताओ, डीजे आई, डीजे कौन डांस कर रहा है, मैं ऐसे कह सकते हो डीजे आई। अब यहां बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे मैं बात करूं कि डी का मतलब क्या है, डियोडेनम, जे मतलब जेजुनम, आई मतलब इलियम। सो डियोडेनम जेजुनम इलियम, डियोडेनम डियोडेनम डियो डियो एफिटैटी डियो जेजु जीजू और इलियम इलिया इलिया, कुछ ही बकवास कर सकते हो, जैसे कि आपको याद होना चाहिए, डियोडेनम जेजुनम इलियम, डियोडेनम जेजुनम इलियम, डियोडेनम जेजुनम इलियम, क्लियर। याद हुआ डीजीआई 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 याद हुआ, ये तो फर्स्ट क्या हो जाएगा ड्योरिनम, सेकंड क्या हो जाएगा जेजुनम, तो बच्चे थर्ड क्या हो जाएगा इलियम। अब देखो बच्चों आपको एक बात और बताऊं, ये हम लोग इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, डाइजेशन शुरू हुआ नहीं बच्चों, तो एक बात याद रखना, आपने 2 टाइप के एनिमल्स पढ़े होंगे, एक तो होता है बच्चों हम लोग पढ़ने, ये भी हमारे 10th क्लास में चैप्टर आएगा, लेकिन आप लोगों ने पहले 8th क्लास में 7th क्लास में आप लोग उसके बारे में पढ़ चुके हो। एक तो होता है बच्चों हर्बीवोर्स और एक होता है कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में बच्चों की फूड का टाइप डिफरेंट डिफरेंट है, हाँ है ना, एक बच्चों प्लांट्स वगैरह खाएगा, प्लांट्स के सेल वॉल में आपको पता है सेलुलोज होता है, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो तो सेलुलोज खा रहे हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं बच्चे जैसे वो मीट वगैरह खा रहे हैं बच्चों उसमें सेलुलोज नहीं है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज को, हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसीलिए हम लोग पेड़ पौधे की छाल नहीं खाते हैं आवास में, तो यहां पे इसीलिए हम लोग उबाल उबाल के खाते हैं बच्चों। अब कई चीज होती है यहाँ पे बहुत माइनर क्वांटिटी में होता है बच्चे सेलुलोज, उसको हम लोग आराम से खा लेते हैं, रो फूड भी खा लेते हैं, बट मेजोरिटी में बात कर रहा हूं बच्चों यहाँ पे। तो यहां पर मैं बात करूं आपको कि स्मॉल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होगी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स बच्चों उसमें अलग अलग होने वाली है। तो क्या मैंने बोला यहां पे हम लोग लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। देखो यहां पे 2 टाइप के एनिमल्स है, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। बच्चों हर्बीवोर्स में लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन
इज मोर। कार्निवल में क्या होगा, लेंथ ऑफ कार्निवल जो एनिमल्स होगा, हमारी बात नहीं करते बच्चों, हम कार्निवल में नहीं आते। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन मिलने वाली है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जीआईटी में सबसे बड़ी होगी, बट इन दोनों में हम लोग कंपेयर करें स्मॉल इसमें बच्चों ज्यादा लेंथ मिलने वाली है, इसमें जो लेंथ मिलने वाली है वो कम मिलने वाली है, क्योंकि बच्चों इसमें मेनली जो फूड में ना डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज बिकॉज का साइन बच्चों इज डिफिकल्ट। क्लियर? और यहां पे बच्चों क्या होगा, डाइजेशन of meat occurs easily। क्लियर? कोई समझ नहीं बात नहीं थी बच्चे ज्यादा, कौन सा आपको बता दिया याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे इसको। क्लियर हो गया? अब बच्चे देखो, जैसे ही मैं आपको बात करूं कि माउथ में जो डाइजेशन हुआ वो हुआ सलाइवा की हेल्प से, हाँ या ना स्टमक में जो डाइजेशन हुआ वो हुआ गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है? तो बच्चे मैंने आपको बताया था नाम छोटा है लेकिन कारनामे बड़े बड़े हैं। जो भी डाइजेशन बच्चों हुआ ना कंप्लीट डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन कहां हुआ, तो क्या सपूरक प्रोटीनों पर डाइजेस्ट हो गया स्टमक में? नहीं। क्या कार्बोहाइड्रेट पूरा डाइजेस्ट हो गया माउथ के अंदर? नहीं। तो बच्चों कंप्लीट डाइजेशन कहां होगा? तो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कैसे होगा बच्चों ये, विद द हेल्प ऑफ, बच्चों यहां पर तीन सिक्वेशन आने वाले हैं, कंप्लीट डाइजेशन आने होने वाला है, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तीनों का डाइजेशन आने होने वाला है यहां पे, तो बच्चों चारों तरफ से एंजाइम आने चाहिए। और एक और बात बच्चों, यहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आ रहा था वो एसिडिक था, अब उसके साथ क्या होने वाला है ये भी हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो बच्चों यहां पर तीन सिक्रीशन यहां पर आने वाला है। फर्स्ट सिक्रीशन इज बाइल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तीनों सिक्रीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली इनमें जो हम लोग दो पढ़ने वाले हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछते हैं। सेकंड जो आने वाला है वो है पेनक्रियाटिक जूस, बाइल पेनक्रियाटिक जूस एंड थर्ड इज जैसे सलाइवरी जूस था वहां पे सलाइवरी ग्लैंड में, अब गैस्ट्रिक जूस था गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो इंटेस्टाइनल भी तो होगा बच्चों, तो इंटेस्टाइनल जूस। बच्चों ये सारे सिक्रीशन कहां से आ रहे हैं, जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ी थी, फाइव सलाइवरी ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड इंटेस्टाइन ग्लैंड लिवर और पैंक्रियास, सब यहीं से आने वाला है। तो बच्चों इस जूस में ऐसा क्या है कि कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे, और कंप्लीट डाइजेशन में क्या होने वाला है, तो ये सब देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। नमस्कार।